एक चीज यार समझ से बाहर है कि जिस बंदे को लेकर के लोग इतने ज्यादा उसको सिंपथी दिखा रहे थे, उसके हक की बात कर रहे थे, वो बंदा जो है अगले ही कुछ घंटे के अंदर में बदल गया, शेक हैंड करके जो है बोलता है किसी और से करवाया गया था और मुझे कोई शिकायत नहीं है, साले को दौड़ा के मारो। सो बंदा हाजिर और स्वागत है आपका गर्मा गर्म खबर के एपिसोड नंबर 16 में। और खबर की शुरुआत करना चाहता हूँ आमिर खान की नेक्स्ट मूवी सितारे जमीन से। इस फिल्म का एग्जैक्ट टॉपिक क्या होने वाला है, इसी को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ा हुआ था और फाइनली जो है इस पर एक अपडेट आ गया है। और अपडेट ये है कि इसके अंदर में जो है डाउन सिंड्रोम नाम के एक डिसीज़ है जिसको लेकर के जो है ये टॉपिक पूरा जड़े जाने वाला है और इसी के इर्द गिर्द जो है पूरी कहानी चलने वाली है। लास्ट टाइम जैसे दिखाया जाता है कि एक ऐसे बच्चे की परेशानी जिसको समझने में प्रॉब्लम होता है और कुछ चीज़ें जो उसको उल्टी सीधी दिख रही होती है, उसका मन पूरे तरह से लग नहीं पा रहा होता और उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है। तो इस बार जो है कुछ और डिसीज है और वो है डाउन सिंड्रोम। सो दैट वाज द न्यूज। बढ़ते हैं अगला गर्मा गर्म खबर की तरफ में और वो है सलमान खान की नेक्स्ट मूवी को लेकर के। बहुत सारे लोग जो है ये अपना अंदाजा लगा रहे थे कि भाई मुर्गदास जो है वो सलमान खान के साथ में किक 2 जो है वो शूट करने वाले हैं। किक 2 की जो स्टोरी जो है वो फाइनल हो चुकी है, साजिद नाडियाडवाला जो इस पे काम करने लग गए हैं। लेकिन फाइनली अभी जो है साजिद नाडियाडवाला के तरफ से ये न्यूज़ निकल करके आ रही है कि भाई किक 2 के ऊपर में कभी भी काम नहीं किया गया था और इसके ऊपर में कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है। जो फिल्म बनने वाली है वो कुछ और होगी, पर ये किक 2 तो नहीं है। एक और चीज़, सलमान खान के साथ में एक और मूवी आने वाली थी जिसका नाम था प्रेम की शादी, और प्रेम की शादी का सुनने के बाद मुझे लगा था कि शायद इस मूवी के बाद में सलमान खान शादी कर लेंगे, क्योंकि प्रेम की शादी ऐसी कुछ आ रही थी भाई न्यूज़। लेकिन अब जो है ये मूवी जो है नहीं बनने वाली है सलमान खान के साथ, एटलीस्ट तो नहीं बनने वाली है। और इसमें एंटर कर चुके हैं शाहिद कपूर, हाँ, तो वो एज अ प्रेम इसमें दिखने वाले हैं और उसी कहानी को जो है किसी और तरह से बना करके रखे जाने वाले, क्योंकि इससे पहले सलमान खान को नज़र में रख करके पूरी कहानी लिखी गई थी, लेकिन अब शाहिद कपूर के हिसाब से लिखी जाएगी और बरजातिया साहब जो है अभी यही बनाने वाले हैं, पर सलमान खान के साथ नहीं। बढ़ते हैं अगला गर्मा गर्म खबर की तरफ में और वो है नीतीश कुमार के रामायण मूवी को लेकर के, जिसके अंदर में बात की जा रही थी कि विजय सेतुपति जो है वो विभीषण का रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ जो है भाई कैंसिल हो चुका है। मैं क्या कर रहा हूँ, सारे गर्मा गर्म खबर के अंदर में जो भी चीज़ें नहीं हो रही उसके बारे में बता रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मेरे पास में अपडेट्स कुछ ऐसे ही है, तो गर्मा गर्म खबर में जो आएगा ऑनेस्टली वही मैं बताऊंगा ना यार। तो विजय सेतुपति तो नहीं होने वाला है, ये फिक्स हो चुका है। अब इसकी जगह पे जो है आए हैं हरमन बवेजा, वो ऋतिक रोशन के सस्ती कॉपी। वात्स्य राशि नहीं पता होगा, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। लव स्टोरी 2050 देखा है क्या? नहीं देखा होगा, मेरे जैसे फिल्मी कीड़ा होने की जरूरत है। देखा होगा भैया, नहीं पता नहीं तुम लोगों ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में और जब बात रामायण की हो ही रही है तो भाई रामायण के जो मेन मेकर है नीतीश कुमार, उनका कहना है कि हम इसी महीने से जो है ऑन द फ्लोर जाने वाले हैं और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो होने वाला है 17 अप्रैल को। तो भाई कुछ जबरदस्त न्यूज चाहिए और मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ, आप अपना बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में और वो है तमन्ना बाटिया की नेक्स्ट मूवी को लेकर के। मूवी का नाम है ओडेला 2, ओडेला 1 मैंने नहीं देखा है। ओडेला 2 वैसे आने वाली है, इसके ऊपर में जो है शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है और ये जो है एक क्राइम थ्रिलर होने वाला है और इसमें तमन्ना भाटिया जो है एक शिवा का रोल प्ले कर रही है। हाँ, इसमें भी शिवा है। एग्जैक्टली देखा जाए तो शिव शक्ति के नाम से जो है रोल है और ये भी एक शिवा का ही वर्जन कह सकते हैं। तो भाई इसमें वो रोल प्ले करने वाली है, लेकिन इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं होने वाला है, लेकिन ये एक क्राइम थ्रिलर है। सो देखते हैं, मुझे अभी जाकर के ओडेला 1 देखना पड़ेगा। तुम लोगों के पास मुझे सोर्स हो तो बताओ कि मैं कहाँ पे जाकर के देख सकता हूँ हिंदी डब्ड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में और बात जब शिवा की आ रही है तो भाई इसी नाम से एक रोल को प्ले करने वाले हैं और जो है अपने प्रभास, और प्रभास जो है कनप्पा बोल करके एक मूवी है उसके अंदर में गेस्ट अपेयरेंस करने वाले। हो सकता है कि ये एक एक्सटेंडेड रोल हो, लेकिन वहाँ पे जो रोल होने वाला है वो रोल यही है कि भाई साहब यहाँ पे शिवा का रोल प्ले करने वाले हैं और बहुत ही खतरनाक सा होगा, देखते हैं क्या होता है। बढ़ते हैं अगला गर्मा गर्म खबर की तरफ में और वो है, वो भी प्रभास की तरफ से आ रहा है। प्रभास जो है भाई उनका एक नया पोस्टर आ चुका है, कल की 2898 नंबर में, हमेशा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन इसका जो है एक नाम जो है रिवील हो चुका है कि प्रभास इसमें कौन से कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। कैरेक्टर नेम है भैरवा और ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा पोस्टर है जिसके अंदर में मतलब एकदम चश्मा वश्मा कुछ अलग तरह के दिख रहे हैं। और हाँ, एक्साइटेड तो फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 600 करोड़ से भी ज़्यादा की बजट की है जिसके 9 पार्ट आने वाले हैं और इस पूरे पार्ट में जो है होने वाले हैं अपने प्रभास जी। तो ठीक है, ये आया है और
और एक मिनट और ये जब मूवी आएगी तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और जुगाड़ अगर मिला तो फिर से जाकर के प्रीमियर शो जाके फाड़ेंगे और आकर के बताएंगे भाई मूवी कैसी है, देखने लायक है, पैसा डूबने वाला, 600 करोड़ गया पानी में, ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरी बार, मतलब कंगाल हो जाएंगे तो फिर फिल्म कैसी बनेगी यार। हाँ तो भाई आप अपना रिएक्शन बताओ, आपका क्या रिएक्शन है, आपने पोस्टर देखा तो बताना ये पोस्टर कैसा लगा आपको, और कमेंट करके बताओ आप प्रभास के कितने बड़े वाले फैन हो, मुझे गाली मत देना। बढ़ते हैं अगला गर्म गर्म खबर की तरफ में, और ये भी साउथ इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार के बारे में है, और वो है धनुष। वैसे मैं थोड़ा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि धनुष की एक अभी मूवी देख रहा हूँ जिसको मैं रिविजिट करने वाला हूँ, तो उसके बारे में लेकर आऊँगा। मैं मूवी का नाम अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन चैनल पर बने रहे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हटके और भुला दी गई जैसी मूवी है, पर देखना ज़रूर है, तो मैं देख रहा हूँ अभी फिलहाल। अभी अपडेट पे आते हैं कि धनुष की जो है नेक्स्ट मूवी कुबेरा, वो भाई उसका आ गया एक मोशन पोस्टर, नहीं मेरे हिसाब से ग्लिम्स है, तो वहाँ पे भाई दिखाया गया है शिव है, पार्वती है, और बीच में जो है अपने ये धनुष भाई साहब है, कैरेक्टर रिवील एक तरह से कह सकते हैं कि हो गया है, पर फिर अभी भी मैं कह रहा हूँ मैं कन्फर्म नहीं हूँ क्या होने वाला है कहानी, लेकिन मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ। और धनुष की लगातार कई सारी फिल्में आने वाली है, जिसमें से खुद एक उन्होंने खुद ही डायरेक्ट किया है, रायान, हाँ रायान उन्होंने किया है। तो आप बताओ आपको ये कैसा लगा है भाई, ये जो कुबेरा का जो ग्लिम्स आया था वो ग्लिम्स आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मागर्म खबर की तरफ में, और वो है अर्जुन कपूर का सिंघम में होना। भाई इनके कैरेक्टर को लेकर के भी बताया जा रहा है कि बहुत ही डीप कैरेक्टर लिखा गया है, और ऐसी 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 चीजें उसमें दर्शाई गई है जिसको देखने के बाद दर्शक, मतलब हम ऑडियंस कभी भी भूल नहीं पाएंगे, हमारे दिल और दिमाग में कुछ अलग छाप छोड़ जाएगा, ये चीज बताई जा रही है। अभी देखते हैं अर्जुन भाई साहब जो इसमें क्या कमाल करते हैं, और यहाँ पे एज अ विलन सिंघम में भाई काम मिल गया भाई, सोर्स लंबी होनी चाहिए तो तुम्हें कहीं पे भी कुछ भी मिल सकता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, नेक्स्ट जो खबर है वो है द गोट लाइफ को लेकर के। भाई इसके अंदर में पृथ्वीराज जो दिख रहे हैं ना भाई, एकदम खतरनाक भयानक। इससे पहले 3 पोस्टर आए थे, वो पोस्टर भी खतरनाक था, और जिस तरह के भाई अभी टीजर आया है, ओ माई गॉड भाई, 28 मार्च को रिलीज होने वाला है। ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसको ऑब्वियसली यार जाकर के बड़े स्क्रीन पे ही देखने में मजा आएगा, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। आई एम नॉट सो एक्साइटेड अबाउट बड़े मियाँ छोटे मियाँ, क्योंकि उसमें पृथ्वीराज सुकुमारन है, मैं कह रहा हूँ उससे कहीं ज़बरदस्त ये एक चीज़ आ रही है 28 मार्च को। आप बताओ आपने अगर ये टीज़र देखा है तो आपको कैसा लगा है, और इस कहानी को लेकर के बातें ऐसे चल रही है कि 10 साल का समय लग चुका है इस कहानी को बना करके प्रेजेंट करने में, कभी मतलब क्लाइमेक्स नहीं मिल रहा था, कभी राइटिंग प्रॉपर नहीं लग रही थी, कभी जो है सुकुमारन जो है अपने पृथ्वीराज उनको ही टाइम नहीं मिल रहा पा रहा था सही से। तो भाई बहुत सारे लफड़ों के बाद में ये फिल्म जो है फाइनली 28 मार्च को रिलीज होने जा रहा है, और भाई बहुत अच्छा फील करवाया है इसके जो टीजर मैंने देखे हैं, जबरदस्त लगे, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं, और हाँ मुझे वैसे फील करवाई है, आप अपना कमेंट करके बताओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, और वो है भूल भुलैया 3 को लेकर के। इसके अंदर में भाई तृप्ति दिमरी का एंट्री हुआ था, उसके बाद से जो है अपनी विद्या बालन का एंट्री हो गया, ओजी जो भूल भुलैया में थी उसके वैसे कार्तिक आर्यन तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और नाम जुड़ चुका है, वो है माधुरी दीक्षित। कमाल है ना, हाँ मतलब ये दिवाली आते आते तक क्या सुनने को मिलेगा, और कि आखिर में क्या ही बन के निकलने वाला है। इस पार्ट के लिए अब मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि भाई इसके अंदर में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों आ चुकी है। तृप्ति दिमरी की अगर बात की जाए तो भाई वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये एनिमल से पहले से जानता हूँ, देखते हुए आया हूँ उनका कॉन्टेंट, उनकी एक्टिंग स्किल भाई ज़बरदस्त है, तो मुझे उनको लेकर के कोई सरप्राइज़ नहीं था मैं कि उनको कोई अच्छी मूवी मिल जाए या कोई बड़ी मूवी में उनको काम मिल जाए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है माधुरी दीक्षित और विद्या बालन, भाई कुछ अलग लेवल का क्रेज़ आएगा फिर। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, श्रेयस तलपड़े, अभी फिलहाल उनका एक न्यूज़ आ रहा था कि उनको हार्ट अटैक आया और बहुत ही जल्दी उन्होंने रिकवर किया, और बहुत सारी चीज़ें थी उन्होंने जो एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन अभी बात इन सारी चीज़ों की नहीं है। बात यह है कि इनकी एक मूवी आ रही है जिसका नाम है लव यू शंकर, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये एक लाइव एक्शन मूवी है, और जिसको देखने के बाद भाई कुछ मतलब अलग लेवल का एंटरटेनमेंट होगा जो कि बच्चों में ज़्यादा पॉपुलर होगा, मुझे अभी तक ऐसे ही फील दे रहा है। आगे जैसी जैसे चीज़ें आएगी उस हिसाब से मैं अपना रिएक्शन दूंगा। सो आप बताओ लव यू शंकरा, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर के। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मागर्म खबर की तरफ में, और वो है सलमान खान के बहनोई, हाँ क्या बोलते हैं उसको, जीजा जी, हाँ जीजा जी। तो सलमान खान के बहनोई का जो है जो नेक्स्ट मूवी आने वाला है रुस्लान, उसका जो है अभी ट्रेलर अनाउंस किया गया है कि ट्रेलर रिलीज होगी। मैं एक बार डेट देख लेता हूँ, 12 मार्च को ये ट्रेलर जो है रिलीज़ होने वाली है, और सच बताऊँ तो पहला वाला जो टीज़र था उसको देख करके थोड़ा सा आया कुछ बिलीव किया कुछ हटके होने वाला है, और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि भाई इनका जो है परफॉर्मेंस मैंने अंतिम मूवी में देखा है, और
मुझे नहीं पता, सलमान खान का परफॉर्मेंस मुझे ओवरशैडो करते हुए दिखा कि वो भाई साहब को पूरा खा गए सलमान खान, तो ऐसा फील हुआ मुझे एक बार के लिए। बढ़ते हैं अगला गर्मा गर्म खबर की तरफ में, और वो है आहान शेट्टी की तरफ से, यानी हमारे जो सुनील अन्ना है उनके बेटे। लास्ट मूवी आई थी तड़प, आह बहुत उम्मीद थी उस मूवी के साथ में, लेकिन क्या करें यार, हम लोगों ने ओरिजिनल देख रखा था जिसकी वजह से मेरे लिए तो उस तरह से काम नहीं कर पाई। और जब भी कोई अच्छी मूवी होती है, कोई मास्टरपीस मूवी होती है, नॉट सो काइंड ऑफ ब्लॉकबस्टर की हाँ बहुत पैसा कमाए, उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी मूवी जो हट के रह जाती है, दिमाग में छप जाती है, जैसे कि जर्सी थी, तो उसका ओरिजिनल अगर आपने पहले देख लिया होता तो फिर काम नहीं करता है। तो कुछ वैसे ही हुआ था तड़प के टाइम पे। लेकिन इस बार जो है आहान शेट्टी की एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है सनकी, और ये भी एक लव स्टोरी है, और इसके अंदर में पूजा हेगड़े है। बस यहीं पे मेरी उम्मीद खत्म हो गई। पूजा हेगड़े वो एक्ट्रेस है भाई जो किसी भी बड़े से बड़े मूवी की पनौती लगाने के लिए काफ़ी है, और बड़े से बड़े स्टार को डुबाने के लिए भी काफ़ी है। रोहित शेट्टी का सर्कस देख लो भाई, राधे श्याम देख लो, ये इसके अलावा ये किसी का भाई किसी की जान भाई पानी तक नहीं मांगा था भाई थिएटर में ईद रिलीज पे, और ये पनौती ने अगर हाथ डाल दिया तो भी क्या ही बोल सकता है। आई होप फॉर द बेस्ट, लेकिन फिर भी देखते हैं यार क्या होता है। मुझे तो पहले टीजर आए, ट्रेलर आए, फिर पता चलेगा क्या है। आहान शेट्टी के अंदर में बहुत कुछ मतलब हो सकता है टैलेंट, लेकिन उसको निकाल के बाहर रखने के लिए एक ज़बरदस्त डायरेक्टर की ज़रूरत है। इस बार देखते हैं क्या होता है सनकी मूवी के साथ में। सो दीज वॉज द अपडेट इन द गर्मा गर्म खबर सीरीज 16। बहुत जल्द गर्मा गर्म खबर के 17 एपिसोड भी लेकर के आऊँगा, उससे पहले भाई और भी वीडियोज आएंगे जो कि भाई रिविजिट भी हो सकता है। अभी लिस्ट बढ़ती जा रही है, अपना जो रिव्यू होता है, रिएक्शन होता है, अभी जो आप सीरीज़ देख रहे हो खबर की वो तो है ही, लेकिन अभी साथ साथ जो है मैं रिविजिट भी जोड़ने वाला हूँ, और ये एज अ वैसे रिविजिट नहीं होने वाला है। आप वो सारे लिस्ट देखोगे मेरे विजिट रिविजिट वीडियोस में जो कि आपने किसी का नहीं देखा होगा। हाँ, ऐसी ऐसी मूवी का नाम दिलाऊंगा आपको, नाम याद दिलाऊंगा जो आपने सुना होगा कभी और एकदम आए गई हो गई, लेकिन उस मूवी में कुछ अलग बात थी। ऐसी ऐसी मूवीज़ लेकर के आ रहा हूँ, उसके रिविजिट्स लेकर के आ रहा हूँ, तो भाई चैनल पे बने रहो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।